हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ अनकंडीशनल दुनिया। और आप लोग हमें इस समय देख रहे हैं, हम लोग जिन गलियों के अंदर है, लेट मी टेल यू, ये है बहुत ही बेहतरीन अमृतसर की गलियां। और इस समय मेरे सब साथी मेरे साथ हैं, सिमू हमारे साथ है, हमारा वासु भाई हमारे साथ है, और ये हमारा यूथ गैंग है। हमारे साथ चलने वाले जो सीनियर्स हैं वो हमारे साथ पीछे पीछे आ रहे हैं। आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ बहुत तेज बोलने की। हम अमृतसर की गलियों में आज चलते हुए जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी डेस्टिनेशन पर। और ये डेस्टिनेशन लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है कि आज मैं पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मेरे अलावा मुझसे पहले बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लोर की है, लेकिन मैं ये ब्लॉग स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों ने एक्सप्लोर नहीं की है। यानी अगर आप अमृतसर आ रहे हैं और अमृतसर की गलियों में आके आपने इस पहलवान द ढाबा, जी हाँ बिल्कुल सही आपने नाम सुना, मतलब पहलवान कुलचे की अगर आप दुकान पे नहीं गए और वहां पे आके अगर आपने अमृतसरी कुलचे के आनंद का लुफ्त नहीं उठाया तो समझो आपने क्या यहाँ पे आके पाया। सो डेफिनेटली इफ यू आर इनटू अमृतसर की गलियों में आप आ रहे हैं तो पहलवान के कुलचे यानी अमृतसरी नान, जिस चीज के लिए वो दुकान पूरी तरह से फेमस है, उस पूरी एक डिलीशियस एक कह सकते हैं उनकी रेसिपी का आनंद अगर आपने नहीं उठाया तो बेकार है। तो बस मुझे भी पता लगा कि अमृतसरी कुलचे का आनंद उठाना बनता है, तो मैं सीधा अपने साथियों के साथ यहाँ पे आ गया। अब हम लोग यहाँ की गलियों में वॉक करते हुए जा रहे हैं। सो द नेक्स्ट ग्लिम्सेस दैट यू गेट टू सी आर द ग्लिम्सेस ऑफ डायरेक्टली दैट पर्टिकुलर पहलवान द कुलचा वाली जगह, जिसको पूरी तरह से आपको मैं बताना चाहूंगा कि पुराने जमाने के पूरे एक आर्किटेक्चरल डिजाइन में एज इट इज रॉ का रॉ रखा गया है। मतलब एकदम अंदर गलियों में जाकर है, लेकिन आज भी उसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी कि सब लोग जो उस जगह पे जाके अपने कुलचे का आनंद उठा चुके हैं और उसका बयां करते हैं, और मैं भी कर रहा हूं। तो चलिए लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट मी टेक यू डायरेक्टली टू द अमृतसरी कुलचा, पहलवान का अमृतसरी कुलचा इन अमृतसर की गलियां। सिर तो सदियां बीत गईं पर मैं इतिहास संभाले ने, मैं दुनिया दे नक्शे उत्ते बनदा रुतबा टोड़ रहा। मैं अमृतसर बोल रहा, मैं अमृतसर बोल रहा, मैं अमृतसर बोल रहा, मैं अमृतसर बोल रहा। सो गाइस यू कैन डेफिनेटली सी दैट द शॉप इज एग्जैक्टली इन इट्स इंटैक्ट पोजीशन, यानी शॉप को अगर आप देखेंगे तो किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा सजाया ढजाया नहीं गया है, जस्ट बिकॉज दिस इंटायर शॉप रन्स ऑन जस्ट वन सिंगल थिंग, दैट्स द वर्ड ऑफ माउथ। बिल्कुल सही आपने सुना, सिर्फ और सिर्फ इनका काम बोलता है और वही चीज़ है जो मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे लोगों को लेकर आती है। अंदर की भीड़ आपको इस समय बहुत ज़्यादा दिख रही होगी, मैं इससे पहले कि अंदर जाऊँ आपको बताना चाहूँगा मुझे ऑलरेडी 15 मिनट वेट करने के लिए कह दिया गया है। इसलिए नहीं कि मेरे 15 मिनट बाद मेरा ऑर्डर आएगा, 15 मिनट बाद तो मेरा ऑर्डर लिया जाएगा, यानी आई ऑलरेडी हैव बीन यू नो वेटिंग हेयर, कि मेरा ऑर्डर लेने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझसे पहले जो ऑलरेडी का लोगों को ऑर्डर लिया जा चुका है उनको अभी दिया जाएगा। सो यू कैन सी दैट द शॉप इज स्टिल इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल शेप। आइए थोड़ा ग्लिम्सेज आपको गहराई से दिखाते हैं, अंदर ले चलते हैं। खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, है खलबली।
अमृतसरी कुल्फी आ चुके हैं, हम लोग एंजॉय करने जा रहे हैं। सो लेट्स हैव द डिलीशियस अमृतसरी कुल्चा। आप देख रहे हैं क्या मजेदार तरीके से हमारे टेबल पर अमृतसरी कुल्चा उसको हमें शेयर कर दिया गया है। तो चलिए एंजॉय करते हैं, लुत्फ उठाते हैं। थोड़ी चीजें जो काम कर रही है एंड लोग दूर दूर से आ रहे हैं, आप देख रहे अभी भी सब लोग इंजॉय कर रहे हैं और इधर भी सब लोग इंजॉय कर रहे हैं एंड आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा मजेदार तरीके से आनंद उठा रहे हैं। सो गाइज, आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ से अभी निकले हैं। लेट मी टेल यू, इस समय हम लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नशा सा हो गया हो, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पेट भर के अमृतसरी कुल्चे का सेवन किया। और भाई का फीडबैक जाना चाहिए, भाई फुल पावर है कुल्चे, फुल पावर है कुल्चे में। सो डेफिनेटली वेन एवर यू आर कमिंग बैक टू अमृतसर, डू नॉट फॉरगेट टू यू नो ब्रिंग योर सेल्फ टू दिस पर्टिकुलर प्लेस पहलवान द कुल्चा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप मिस करना एफर्ट नहीं कर सकते। एंड आज हमने ऐसा लग रहा है ब्रेकफास्ट भी कर लिया, लंच भी कर लिया, डिनर भी कर लिया, सब कुछ एक सिंगल कुल्चे ने आनंद दे दिया। आपको बस ये बात बताना था कि अमृतसरी कुल्चा यहाँ पे आके अगर आपने नहीं खाया तो समझो आपने बहुत कुछ गवाया। सो मेक श्योर कि आपने इस पूरे ब्लॉग को एंजॉय किया हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप एक फूडी है, आप देख रहे हैं कि इस समय मेरे को बस कुल्चा ही कुल्चा छा रहा है। अगर आप एक बहुत प्यारे फूडी हैं और आपको अलग अलग जगहों पे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का एक शौक है तो दिस इज द प्लेस दैट इज मेंट फॉर यू। एंड मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ खाने पीने वाले मस्ती करने वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज दिस इज योर फेवरेट अनकंडीशनल दुनिया।